भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ रविवार को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन किया और पार्टी शासित निगमों के पूर्ण बकाया राशि जारी करने की मांग की। पटेल नगर सहित दिल्ली के सभी क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा कि पार्टी तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक केजरीवाल तीनों नियमों को 13,000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं दे देते हैं। आपको बता दें कि भाजपा शासित तीनों उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के महापौर और नेता करीब एक हफ्ते से मुख्यमंत्री आवास के बाहर बेमियादी धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन में मौजूद वेस्ट पटेल नगर के निगम पार्षद रमेश कुमार की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन के जरिए बकाया राशि के भुगतान की मांग की है। इसी कड़ी में दिल्ली एसी मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष नरेश कुमार ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि निगमों की सभी बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है और आरोप है कि भाजपा नेताओं का भ्रष्टाचार और अक्षमता आर्थिक गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पटेल नगर सहित आसपास इलाकों के भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं दिल्ली के पटेल नगर से हमारे संवाददाता कमल सिंह राठौर की रिपोर्ट। निगम का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। निगम का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। आप अपना परिचय दें और यहाँ किस उद्देश्य से आप लोग खड़े हैं? मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं दिल्ली प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा में मंत्री हूँ। आज हम 13,000 करोड़ रुपए जो केजरीवाल सरकार ने धोखे से रोक रखे हैं निगम का, हम उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पूरे दिल्ली प्रदेश में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है? हर बूथ स्तर पर हो रहा है। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी के आदेश के अनुसार ये सभी प्रत्येक बूथों में हो रहा, मंडलों में हो रहा, जिले में हो रहा, विधानसभा में हो रहा। धन्यवाद।